पृथ्वी कर देगा संदीप का काफी बड़ा एक्सीडेंट और कोर्ट में संदीप के ना आने की वजह से ऋषभ की एक दिन की सजा और एक दिन की सुनवाई पड़ जाएगी आगे और ऋषभ के लिए कोर्ट में लड़ेगी प्रीता ऋषभ का केस। जी हाँ दोस्तों, कुंडली भाग्य के आने वाले धमाकेदार एपिसोड में संदीप गवाह बनकर ऋषभ को बचाने के लिए कोर्ट तक ना जाए, इसके लिए पृथ्वी संदीप का एक्सीडेंट कर देगा और अपनी कार से संदीप के पैरों में जोर से टक्कर मारेगा, जिस वजह से संदीप दूर जाकर गिरेगा और संदीप के पैर सच में टूट जाएंगे। और बड़ा खुलासा होगा कि जब संदीप रास्ते पर गिरा होगा तभी पृथ्वी संदीप के सामने आकर कहेगा कि तूने पृथ्वी मल्होत्रा को धोखा देकर सही नहीं किया और पूरी दुनिया को लग रहा था ना कि तू चल नहीं सकता, लेकिन अब ये सही में हो गया, अब तू कभी जिंदगी भर चल नहीं पाएगा और मेरा मन तो ये करता है कि अभी अभी मैं तुझे जान से मार दूं, लेकिन मैं ऐसा करूंगा नहीं क्योंकि तूने मुझे धोखा दिया है, लेकिन अगर तुझे इस धोखे को सुधारना है और अपनी आगे की जिंदगी बचानी है तो मैं तुझे जो बोलूंगा वो तुझे करना होगा। ये सब पृथ्वी के मुंह से सुनकर संदीप काफी ज्यादा डर जाएगा, जिस वजह से ऋषभ को जेल में ही रखने के लिए संदीप को कहेगा कि तुझे कोर्ट में गवाही देनी होगी कि तेरी इस पैरों की हालत सिर्फ और सिर्फ ऋषभ की वजह से है और उसने तुझे जान से मारने की कोशिश की है। ये सब पृथ्वी के मुंह से सुनकर संदीप गवाही देने के लिए हाँ कह देगा, लेकिन ऋषभ पर बड़ा खतरा आएगा जब संदीप के कोर्ट में न आने की वजह से संदीप का वकील एक के बाद एक ऋषभ पर झूठे इल्जाम लगाते जाएगा। तब प्रीता खुद गवाह बनकर आकर कहेगी कि ऋषभ पर झूठे इल्जाम लगाना बंद करिए क्योंकि ऋषभ जी ने एक्सीडेंट किया ही नहीं है। और प्रीता वकील को कहेगी कि आपने कहा था कि संदीप चल नहीं सकता, तोड़ नहीं सकता और उसकी हालत इतनी गंभीर है कि वो कभी आगे जिंदगी में चल भी नहीं पाएगा। यह सुनकर संदीप का वकील हाँ कहेगा और प्रीता कहेगी कि ये झूठ है, संदीप चल सकता है, तोड़ सकता है, भाग सकता है, वो सारे काम कर सकता है जो एक नॉर्मल इंसान करता है, उसे कुछ भी नहीं हुआ, मेरे पास इसका प्रूफ है। यह सुनकर वकील कहेगा कि हमने सबने उसकी कंडीशन देखी थी और आप बातों को घुमाना बंद करिए क्योंकि संदीप तो एक जगह से उठ ही नहीं सकता और चलना दौड़ना तो दूर की बात है। यह सुनकर प्रीता गुस्से से वकील को कहेगी कि तो आप ही साबित कर दीजिए कि संदीप चल ही नहीं सकता। यह प्रीता के मुंह से सुनकर वकील कुछ बोल नहीं पाएगा और वकील की जुबान लड़खड़ा जाएगी, जिसके बाद प्रीता संदीप के चलने का भागने का जज साहब को सबूत दिखाएगी और सबूत को देख कर जज साहब मान लेंगे कि ऋषभ बेगुनाह है, लेकिन संदीप के कोर्ट में ना होने की वजह से जज साहब फैसला नहीं सुनाएंगे और एक दिन की सुनवाई आगे बढ़ा देंगे और एक दिन के लिए ऋषभ की सजा और आगे बढ़ जाएगी। लेकिन बड़े राज का खुलासा होगा जब प्रीता संदीप के कोर्ट में ना आने की वजह से संदीप के हॉस्पिटल जाएगी, तब संदीप की हालत काफी ज्यादा खराब देख प्रीता के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी और जब प्रीता संदीप को वजह पूछेगी कि ये सब किसने किया है तब संदीप कहेगा कि पृथ्वी मल्होत्रा ने और कहेगा कि मैं आपके लिए कोर्ट के अंदर गवाही देने के लिए आ ही रहा था, लेकिन तभी पृथ्वी मल्होत्रा ने मुझे कोर्ट के बाहर देख लिया और मैंने अपने आप को उससे बचाने के लिए भागने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसने मेरा सच में एक्सीडेंट कर दिया और अब सच में मैं आगे जिंदगी में कभी चल नहीं पाऊंगा। यह सुनकर प्रीता के होश उड़ जाएंगे, लेकिन पृथ्वी की धमकियों की वजह से जब आखिरी बार ऋषभ की सुनवाई होगी तब पृथ्वी के डर के मारे संदीप ऋषभ के खिलाफ गवाही देगा, लेकिन तभी वहाँ पर कोर्ट में करण आ जाएगा और संदीप से भी बड़ा सबूत जज साहब को दिखाएगा, जिससे ऋषभ बेगुनाह साबित हो जाएगा। लेकिन पृथ्वी को उसके किए की सजा मिलनी चाहिए या नहीं, और आप शर्लिन ऋषभ को एक देखना चाहते हैं या फिर शर्लिन पृथ्वी को, और आप करण प्रीता की जोड़ी को कितना मिस कर रहे हैं, ये सब हमें कमेंट में जरूर बताएं और आप लाइक और सब्सक्राइब करें।